The Yamuna supplies water to millions and millions of people on a daily basis. If we don't take action now, we risk losing not only a river, but also an integral part in the future of our country. Together, we all can restore the Yamuna back to its former glory. The future is in our hands. Sadly, the Yamuna is polluted by human activities only. Over 8,000 liters of chemicals and sewage waste is dumped into the river. The Yamuna is more than just a river. It sustains agriculture, supports industries, and gives water to over 12 million people. Every day, 3,000 million liters of untreated sewage is dumped into the Yamuna. The water is toxic, the fishes are dying, and even our ecosystem is collapsing. Pollution here impacts everything. The health of the people, the environment, and even our economy is at risk. If we don't clean it up now, then it could be too late. While Delhi's air pollution has surpassed grade 4 threshold, the pollution in the Yamuna River is no less alarming. Yes, the discussion of today's topic is Yamuna River, which flows through Delhi. Once considered the lifeline of Delhi, the current status of Yamuna is such that we even hesitate to pass near it. Addressing these concerns and more, we will discuss the same with Mr. Rajesh Garg, the DC chairman, a former MLA, and a dedicated social worker. Sir, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने व्यस्त समय में से हमें समय देने के लिए. जी. तो मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं. सबसे पहला सवाल कि यमुना नदी की ऐसी दशा क्यों हुई जा रही है? पहले तो आपको बधाई की आपने इतनी हिम्मत से और जो बात शुरुआत किया ना आपने इंट्रो गजब. दूसरा मैं सवाल पर आता हूँ कि यमुना नदी की जो हालत खराब हो रही है उसके लिए जिम्मेवार आम आदमी जितना है उससे ज्यादा सरकार है जो कि व्यवस्था को रन करती है सरकार. यमुना नदी की हालत इसलिए खराब है क्योंकि 112 नाले हैं दिल्ली में. दिल्ली बॉर्डर से लेके भी नजफ्फर नाले पूरा ग्राउंड लगाया जाए कालंदी खुल सकते तो 112 नाले यमुना में गिरते हैं जबकि एसटीपी प्लांट लगे हुए हैं जो सीवरेज सिस्टम के को ट्रीटमेंट के लिए प्लांट लग रहे वो सब ठप पड़े हुए हैं. ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, हाईकोर्ट ने भी 3 दिन पहले इसका कॉग्निजेंस लिया है और सरकार को लताड़ा है कि इन नाले जो यमुना जी में गिर रहे हैं नदी में गिर रहे हैं उनको पानी को साफ किया जाए. ट्रीटमेंट हो नहीं रहा, भ्रष्टाचार शामिल है, इसके कारण ही यमुना की हालत ये है. तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, जैसे कोरोना काल के दौरान जब 15 दिन का लॉकडाउन लगा था तो यमुना नदी की दशा बहुत साफ सुथरी हो गई थी, पर जैसे ही लॉकडाउन हटा तैसे ही यमुना बिल्कुल पहले जैसी हो गई. तो इस पर आपके क्या विचार? इसका कारण ये है कि कोरोना के अंदर लॉकडाउन जब लगा तो लॉकडाउन के दौरान सारी जो एक्टिविटी थी वो बंद हो गई थी. जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आप देखिए, सिंगू बॉर्डर से इंडस्ट्री शुरू होती है, नरेला, बवाना, झिलमिल कॉलोनी, ओखला, छतर, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिए हैं, वजीरपुर, बादली, इन इंडस्ट्रियल एरिए से जो वेस्ट निकलता है ईटीपी लगे होने के बावजूद, ईटीपी केवल दिखावटी तौर पर लगे हैं, एसटीपी भी दिखावटी तौर पर लगे, लेकिन जब काम ही नहीं हो रहा फैक्ट्री में तो सिस्टम जो उनका जो भी कचरा है, गंद है, पानी है, गंदा पानी, वो निकला नहीं. जब वो निकला नहीं तो नालों में गंद आया नहीं. जो नालियाँ हैं, नाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं, उसमें वो गंदगी नहीं आई. इस कारण यमुना साफ हो गई, क्योंकि जो आदमी जो फैमिली रह रही है उनका जितना जो मल मूत्र जाता है नालों में वो कम है. इन इंडस्ट्रीज का जो गंदगी है बिना ट्रीटमेंट के जब जाती है, वेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है. उसके कारण यमुना मैली हो गई और मैली चल रही है, अभी तक चल रही है. लेकिन कोरोना में बिल्कुल साफ नज़र आता था. आपने देखा कि जो पोल्यूशन भी दूर हो गया था क्योंकि जो गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई, लोग रोड पर जा नहीं रहे, आ नहीं रहे, तो जो एक आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो कम होता गया, एयर अच्छी होती गई. और यमुना में जब सारे नालों में पानी गंदा नहीं जाएगा तो यमुना अपने आप स्वच्छ हो जाएगी. अच्छा, केवल दिल्ली की बात नहीं है,
आप जहाँ से यमुना जी निकलती है, बीच में हरियाणा है, पंजाब है, उसकी जो इंडस्ट्री है उनका पानी भी तो वहीं आ रहा है। यही कारण था कि कोरोना के अंदर यमुना साफ सुथरी हो गई थी और एयर पोल्यूशन जो दूर हो गया था। तो जैसे मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि छठ पर्व के पावन अवसर पर दिल्ली सरकार यमुना और दिल्ली की बाकी नहरों की साफ सफाई में जुट जाती है, लेकिन छठ के खत्म होते ही कोई यमुना की जिम्मेदारी ही नहीं लेता, तो क्या ये एक चुनावी वोट बैंक के लिए करा जाता है? देखो, इस देश में जो भी कुछ हो रहा है वो चुनावी वोट बैंक के लिए ही हो रहा है, क्योंकि नेताओं का कोई बेसिक करेक्टर नहीं है। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, वो जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं ना, अपनी वोट के चक्कर में कहीं वोट का नुकसान ना हो जाए, वो सही बात को उठाते नहीं है। छठ के तो दौरान, क्योंकि ये पूर्वांचल के लोगों को और आसपास के लोगों का एक बहुत महान पर्व है, पवित्र पर्व है, अब उन्हें वोट चाहिए, तो उनको दिखाने के लिए जगह जगह आर्टिफिशियल पॉन्ड बना दिए, यमुना को सफाई करने की कोशिश की, लेकिन यमुना जी तो साफ नहीं हुई। लेकिन और ज़्यादा नुकसान हो गया, माफ़ करना यदि जो छठ पर्व मनाने वाले लोग हैं मेरी बात का बुरा माने, क्योंकि आपने तो अपना पर्व मना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो गंदगी आपने छोड़ दी वो वहीं पड़ी हुई है। और अल्टीमेटली जब MCD PWD जो डिपार्टमेंट हैं हमारे, वो उसको उठाएंगे तो ले जाकर कहाँ डालेंगे, कहाँ डंप करेंगे, फिर यमुना जी के अंदर। तो इसलिए सरकारों की कमजोरी आप देखिए ना, MCD मेन संस्था है दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, और साथ में दिल्ली जल बोर्ड, ये दो डिपार्टमेंट है जिनकी जिम्मेवारी है साफ पानी सप्लाई करना और गंदे पानी का, सीवरेज के पानी का ट्रीटमेंट करना। दोनों को 25-25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। मैं दिखा सकता हूँ, आज के अखबारों में है, DGB MCD पर लगा 25-25 करोड़ का जुर्माना, और किसने लगाया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, NGT ने। मतलब इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है कि ये जो सरकारें हैं वही जिम्मेवार है सिस्टम से, क्योंकि वो सरकार ढंग से रन नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होते हैं, अपने वोट बैंक के चक्कर में सख्त कदम ना उठाकर जो लोग गलत काम कर रहे होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके बल्कि उसको बढ़ावा देते हैं। कार्रवाई ना करना मतलब बढ़ावा देना। यही कारण है कि दिल्ली का की आबोहवा बिगड़ी हुई है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, और यमुना का तो बुरा हाल है। मतलब यमुना का पानी, जब भी कोई यमुना के नज़दीक से गुजरता था तो गाड़ी रोक कर आचमन करता था, लेकिन हाजिर आचमन तो दूर, आदमी नहाने को तैयार नहीं है, हाथ धोने को तैयार नहीं है। मतलब तो इसलिए सारा मामला ये गड़बड़ हो रहा है, और इसके अंदर यूथ का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम गंदगी फैलाते हैं, उस गंदगी को हम अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर, अपनी अपनी सीमा के अंदर साफ कर लेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आपको यमुना की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार सौंपे तो आप क्या कदम उठाएंगे? जो ऑलरेडी पॉलिसी बनी हुई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, चाहे वो NGT ने बनाई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बनाई, और जो डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो भी फाइनल डिसीजन लिया कि इससे यमुना अच्छी हो जाएगी, पोल्यूशन कम हो जाएगा, लोगों को साफ पानी मिल पाएगा, हैं, उनकी सारी नीतियों को सख्ती से लागू करेंगे। इस बात को अलग रखते हुए कि मेरा वोट बैंक है ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इंसान को इंसान की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कोई और बाहर से करने नहीं आ रहा है पोल्यूशन। और ये कोरोना में आपने कहा कि बिल्कुल साफ हो गया, सबने देखा, और अभी फिर दोबारा गंदगी बढ़ती जा रही है। तो जो आपने मुझसे कहा कि मैं क्या कदम उठाऊंगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा छोटा सा। अभी आज मैंने एक फंक्शन रखा था, हमारी संस्था है रोटी बैंक रोहनी, हमने गेट टुगेदर रखा, वहाँ डिफरेंट खेल खेले, हमने वहाँ चाय पी, नाश्ता किया। तो जो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा मेरा बातचीत करने के लिए, वो इसलिए कि मैं वहाँ पूरा सफाई करा के आया हूँ उस पार्क की, कि वहाँ गंदगी ना रहे, वहाँ से कप हट जाए, वहाँ जो पानी की बोतलें पड़ी हट जाए, जो केले के छिलके हैं वो हट जाए। अब उसको देखकर जो वहाँ बच्चे घूम रहे थे और जो बाकी लोग, तो उन्हें लगा कि हाँ ये लोग अच्छे हैं। इसी प्रकार सारी संस्थाएँ मन में ठान लें कि वो गंदगी ना फैलाएं, इंडस्ट्री वाले भी ठान लें कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जो उनके ETP प्लांट बंद पड़े हुए हैं, ETP सिस्टम लगाया हुआ है लेकिन प्लांट काम नहीं कर रहा क्योंकि उसमें खर्चा होता है,
इसी प्रकार सरकारी एजेंसी कमीशन के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में जितने भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो सारे के सारे बंद हैं। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े हैं, सरकार को मालूम है। तो इसकी जो मेन जड़ है घुमा फिरा कर वो ये है कि सरकार की नीति गलत है, सरकार अपने ही फैसलों को लागू करने में अक्षम है, सफल नहीं है, और उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, इसलिए यमुना मैली है और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। Perhaps, as sir said, we are also partly responsible for the plight of Yamuna. Just as we take responsibility to keep our homes clean, why can't we come together and keep Delhi clean as well? So, as we conclude our discussion with Mr. Rajesh Garg, who shared a valuable inside information about Yamuna, we will extend our greet to sir and we will take your leave. Thank you so much. This is Alka Kumari with team from Mount Abu Public School. Thank you. Thank you. Understood.